अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर की बनी हुई कैपेचिनो की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, उनसे ये मैंने सीखी। और इसके साथ एक शॉर्ट सी स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, वो ये कि जब मेरी शादी हुई तो मैं पाकिस्तान में थी, कराची में, और मुझे ये झाग वाली कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो जब मैंने मेरे हस्बैंड को कहा तो वो मुझे पाकिस्तान में एक होटल है पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची का, और वहाँ का एक मशहूर रेस्टोरेंट है मार्को पोलो, वहाँ ले गए। तो वहाँ की कैपेचिनो मुझे फॉर सम रीज़न बहुत अच्छी लगती थी और मैं अक्सर पीने जाती थी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान डेली बेसिस पे वहाँ जाए। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने घर पे ही ये वाली कॉफ़ी बनाई, और ज़बरदस्त, यकीन करें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बनी हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स होटल्स जैसी ये कॉफ़ी बनती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉफ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पे आधा कप पानी, आधा कप चीनी, आधा कप आपको चाहिए होगी इंस्टेंट कॉफ़ी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इंस्टेंट कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जैसे आप नेस्कैफे भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने किसी एक ही कप से बराबर मिकदार में नापना है, और उसके लिए आप एक ही कप यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये वाला कप। और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो ये जो रेगुलर हर घर में चाय पीने का जो कप होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा आधा कप तीनों चीज़ें आपने बराबर ले लेनी है, जैसे आधा कप चीनी, आधा कप कॉफ़ी और आधा ही कप पानी। आप एक कप भी ले सकते हैं अगर घर में ज़्यादा अफराद हैं। ये कॉफ़ी बनाने के लिए आपको बीटर चाहिए होगा। अब सबसे पहले ले लें आधा कप चीनी, सेम कप को यूज़ करते हुए आधा कप कॉफ़ी, और आधा कप इसमें डाल दें पानी। बीट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इतनी क्वांटिटी में कॉफ़ी नहीं बनाना चाहते तो कोई इशू नहीं। सिंपल, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कप बनाना है आपको कॉफ़ी, तो एक टेबलस्पून कॉफ़ी लें, एक टेबलस्पून पानी लें, और एक टेबलस्पून, या अगर आप थोड़ी कम चीनी पीते हैं तो लाइक एक टीस्पून आप चीनी डालें, और आप उसको स्पून से या छोटे विस्क से फेंट लें। सेम प्रोसीजर है। तो अब इसको मैं बीट करूंगी इतना कि बिल्कुल झाग जैसी क्रीमी फोमी हो जाएगी, आपके सामने ही आप देखिएगा। बिगनिंग में आप बीटर की स्पीड को थोड़ा कम रखें, और तकरीबन 20-30 सेकंड आप स्लो स्पीड पे बीट करें, और फिर उसके बाद 30 सेकंड्स आप इसकी स्पीड को हाई कर दें और बीट करें। ये तकरीबन अभी एक मिनट भी नहीं हुआ मुझे इसको बीट करते हुए, और ये आप देखें ये फोमी और क्रीमी होना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 3 मिनट में ये कॉफ़ी का क्रीमी मिक्सचर तैयार हो गया है, और आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कलर भी हल्का हो गया है। तो ये इसकी पहचान है जब ये पूरी व्हिप हो जाएगी। और ये देखें, दूध मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। पैन में नहीं करना चाहते तो आप माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं कॉफ़ी के लिए। अगर आप ये बल्क में रेसिपी नहीं बनाना चाहते तो मैंने एक कप कैपेचिनो की रेसिपी लास्ट ईयर अपलोड की थी, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। अब इस कॉफ़ी के मिक्सचर को मैं एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल रही हूँ ताकि फ्रिज में इसको स्टोर कर सकें। इसको कवर करके फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं, और एक हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये मिक्सचर बच जाए तो।
अब दो से तीन खाने के चम्मच मैं ये कॉफ़ी के कप में ऐड करूँगी, ये व्हिप्ड की हुई कॉफ़ी, कॉफ़ी चीनी और पानी का मिक्सचर। सिंपल स्पून है वही जिससे चावल खाते हैं। एक मग में टोटल चार खाने के चम्मच ये व्हिप्ड कॉफ़ी के जाएंगे, तीन मैं अभी ऐड कर रही हूँ और एक मैं बाद में ऐड करूँगी। मीठा बिल्कुल परफेक्ट आता है इस रेसिपी से, लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप और चीनी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं गरम, ये दूध मैंने गरम कर लिया था पहले ही, ये ऐड कर रही हूँ। आखिर में व्हिप की हुई कॉफ़ी एक से डेढ़ खाने का चम्मच और ऐड कर दें, और टोटल एक मग कॉफ़ी के लिए चार खाने के चम्मच ये व्हिप्ड कॉफ़ी मैंने यूज़ की है, और ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। दूध भी तकरीबन एक से डेढ़ कप था जो मैंने गर्म किया था। तो ये थी आज की रेसिपी, कैपेचिनो एट होम, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रीमी, बहुत यम्मी बनती है। तो सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप भी ये कैपेचिनो घर पे ज़रूर बनाएं, और यकीन करें कि ये रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा मज़े की और बेहतर है। और इंजॉय करें इस कॉफ़ी को, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, फ्रेंड्स के लिए बनाएं, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इतनी अच्छी कॉफ़ी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो वो आप ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो मेरी बेटी का YouTube चैनल है प्रिंसेस किरत, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।